ये मेथड मैं आपको मेरे कंप्यूटर में करके दिखा रहा हूँ, ये आप अपना स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है जो कि डॉट जेपीजी फोल्डर है, एंड यहाँ से मैं ये टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकता। ये एक फ़ोटो है, तो मैं अगर चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट मुझे चाहिए कोई प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी और काम के लिए, और मुझे इसको टाइप करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक मेथड दिखा रहा हूँ जिससे आप ये फ़ोटो से ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करते ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल में क्लिक करना है, देन वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है जिससे आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। देन आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि ये जो टेक्स्ट फाइल है ये कौन से लैंग्वेज में है। मेरा इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन आपको इसको प्लेन टेक्स्ट में सिलेक्ट कर लेना है, देन कन्वर्ट। अभी अगर आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो तो इसको डाउनलोड कर लो, और ये TXT फाइल में डाउनलोड हो जाएगा जिसको आप ओपन करोगे तो नोटपैड में ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको जितना पोर्शन आपको चाहिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो और आपके फ़ोन में कोई नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो आप ये डाउनलोड आउटपुट फाइल के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ से भी ऐसे कॉपी कर सकते हो। कंप्यूटर में भी कर सकते हो, फ़ोन में भी कर सकते हो। यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट करके फ़ोन में जैसे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करते हैं, आप कॉपी कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो।